हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में। और आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो पैरा स्पोर्ट्स में अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा है। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं आज स्वप्निल पाटिल जी से। स्वप्निल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शम्स का सलाम स्वप्निल पाटिल जी के नाम। थैंक यू शम्स भाई, और हाय सब लोगों को। आज शम्स भाई को बहुत दिनों के बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे स्वप्निल जी। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज आपको ऐसे ही रोज मैं सुनाता रहूँ और मिलाता रहूँ। तो सुनते हैं स्वप्निल पाटिल की कहानी, उनकी जुबानी। स्वप्निल जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए हमारा ये कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा था, हमें बताएं। वैसे तो मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। तो मेरा जो भी जन्म है वो कोल्हापुर में हुआ है। और बचपन तो मेरा बहुत खेलता उलता हो गया है, तो बहुत मैं मजा मस्ती करता था मैं बहुत बचपन। और बस कुछ नहीं, बस खेल रहा था। और बचपन में आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है पूरा स्वप्निल जी? आपने पढ़ाई कहाँ, कोल्हापुर में ही किया? हाँ, मेरी पढ़ाई कोल्हापुर में हुई है, मेरी पूरी पढ़ाई कोल्हापुर में ही है। धन्यवाद बताने के लिए स्वप्निल जी। मैं जानना चाहूंगा कि आप एबल बॉडी स्कूल में ही पढ़ते थे या फिर डिसेबल स्कूल में, आप स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं एबल बॉडी स्कूल में पढ़ता था, जो नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्कूल में था। आपको जो डिसेबिलिटी है वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे और उसमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? डिसेबिलिटी एक्चुअली जब मैं 6 साल का था तो मेरा बर्थडे था, और मैं बर्थडे में मेरे दोस्त को बुलाने में साइकिल से मैं मेरे दोस्त को बुलाने जा रहा था। तो मैं वहां से साइकिल से गिर गया और मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो परमानेंटली इंजर्ड हो गया मेरा राइट लेग। तो तब से फिर मैं मतलब मेरे को चलने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था पहले स्टार्टिंग में, लेकिन वो अभी थोड़ा सा रिकवर हो गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह भगवान आपको पूरा रिकवर कर दे और आप अच्छे से आपकी सारी काम को आप करते रहे। वैसे भी आप बहुत अच्छा करते हैं। तो स्वप्निल जी, हमें ये बताइए कि आपका पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स करियर कब स्टार्ट हुआ, आपको स्पोर्ट्स में कब रुचि आई? स्पोर्ट्स में एक्चुअली जब मेरा ये सब एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो उसके बाद मैं फिर एज अ ट्रीटमेंट, एज अ फिजियोथेरेपी करके मैं वाटर थेरेपी करके मैं स्विमिंग स्टार्ट किया था। और तब मेरे को स्विमिंग तो आता नहीं था, तो मेरे पापा मेरे को लेके जाते थे स्विमिंग पूल। तो तब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वो स्विमिंग में मतलब मेरा थोड़ा सा मेरा पैर का रिकवर होने लगा, तो तब से मेरे को थोड़ा सा आदत लगी और मैं फिर स्विमिंग करियर मेरा वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मैं वहाँ के जो कोच थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप लोगों का अलग सा कॉम्पिटिशन होता है पैरा के लिए और नॉर्मल के लिए भी। तो मैंने वहाँ से फिर स्विमिंग स्टार्ट किया, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा स्विमिंग में। फिर मैं वहाँ से स्विमिंग स्टार्ट किया स्लोली स्लोली करके, तो आज एक कुछ अलग ही लेवल है स्विमिंग में। वो हम सभी जानते हैं कि आपका जो स्विमिंग का जो करियर है, जो ऑरा है आपका, वो बहुत अच्छा है। तो हम जानना चाहेंगे स्वप्निल जी कि आपने बताया कि आपके पिताजी आपको स्विमिंग के लिए ले जाया करते हैं, और हम जानते हैं कि संजय पाटिल जी जो हैं बहुत अच्छे कोच है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कितना योगदान रहा आपको लगता है कि आपके पिताजी ने या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, कभी आपको फील नहीं करने दिया कि आप डिसेबल हैं, इस मामले के ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं, क्या कैसा सपोर्ट था आपका फैमिली से? हाँ, फैमिली का मेरे को बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं और फैमिली मेरे को बहुत सपोर्टिव है मेरी।
यहाँ लेकिन थोड़े बहुत तो फाइनेंस का वगैरह तो प्रॉब्लम तो आता था पहले, लेकिन वो मेरे को तब कभी मतलब छोटा था तो मेरे को कभी पापा ने मेरे को पता नहीं कि ये सब हुए कर, बट उन लोगों का बहुत सपोर्टिव था, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, पापा का बहुत सपोर्ट था, तो आज उनके वजह से यहाँ पे हूँ। जी स्वप्निल जी, हम चल रहे हैं आपके स्पोर्ट्स करियर की तरफ। हमें बताइए कि आपने सबसे पहले खेलना कब शुरू किया, किस साल से, और अब तक आपने कितने नेशनल्स खेले हैं या कितने इंटरनेशनल्स खेले हैं, कितने मेडल्स हैं आपके पास, ये हमें बताएं आप। हाँ, खेलना तो मैं स्टार्ट तो स्विमिंग 2006 से ही शुरू किया था मैंने, वो मेरी फर्स्ट नेशनल थी 2006 में। और आपकी आवाज अभी थोड़ी तक स्लो आ रही है तो मैं स्वप्निल जी। मेडल्स हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो हाँ, सो मेडल तो अगर मैंने मैंने तो कभी गिने ही मेरे मेडल्स कितने हैं, लेकिन मेरे को इतना याद है कि मैंने आज तक 10 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ मैं, और मेडल्स तो मतलब लगभग मेरे पूरा मिला के कुछ 250 के पास होंगे पूरा सब। बिल्कुल, यानी मेडल का भंडार है आपके पास, हम सभी जानते हैं। पटेल जी, पटेल जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छा आपका जो मोमेंट था, इंटरनेशनल टूर आपने किया है, 10 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर किया है, तो सबसे अच्छा और यादगार लम्हा कहाँ का रहा आपके बाद में, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे। मेरा सबसे बढ़िया मोमेंट तो मेरे लाइफ में यह था कि जब मैं फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने गया था, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने गया था, लाइक जब मेरे को गोल्ड मेडल मिला था, और तब लाइक हमारा इंडिया का राष्ट्रगीत मतलब ऊपर जा रहा था, तो वो मेरा सबसे बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, एक खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा मौका यही होता है कि उसकी वजह से उसके देश का झंडा ऊपर जाए और राष्ट्रगान हो, तो वो सबसे गर्व का टाइम होता है। और बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ स्वप्निल जी। हमें स्वप्निल जी और जानना था कि आपने स्विमिंग की कोचिंग कहाँ से ली, और अभी फिलहाल आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं वो हमें बताएं। आपका म्यूट हो जा रहा है ना, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ बताइए स्वप्निल। हाँ, तो मैं अभी फिलहाल ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जो बेंगलोर के मेरे कोच हो शरद गायकवाड़ है, वो मतलब एक रिकॉर्ड एशियन रिकॉर्ड होल्डर भी है, और वो खुद ओलंपिक प्लेयर है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है, सो मैं ट्रेनिंग मेरा अभी वहाँ पे चल रहा है बेंगलोर पे। बिल्कुल, और आपको क्या लगता है कि इंडिया में एज अ पैरा पैरा लोगों के लिए अच्छी स्विमिंग और अच्छी कोचिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है ओवरऑल या नहीं? मैंने जहाँ तक देखा था, लेकिन पैरा स्विमिंग के लिए उतना फैसिलिटी अभी है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि जो कोचेस मैंने देखे वो थोड़ा बहुत नहीं लेते पैरा लोगों के, लेकिन पैरा के लिए उतना फैसिलिटी नहीं है, तो होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सरकार से और लोगों से ये कहना चाहते हैं, स्पेशली पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों के लिए जो पैरा डिजेबल खिलाड़ी हैं उनके लिए आप कोचिंग की फैसिलिटीज का बिल्कुल ध्यान दीजिए। कोचेज, क्वालिफाइड कोचेज होना बहुत जरूरी है, जो शायद अभी नहीं है। आप सहमत होंगे स्वप्निल जी इस बात से कि इंडिया में अभी भी उतने क्वालिफाइड कोचेज नहीं यस यस है। यस तो इसके अलावा स्वप्निल जी और जानना चाहेंगे कि खेल के अलावा, जैसे कि आप स्विमिंग में आप अभी आपको शिव छत्रपति एकलव्य अवार्ड भी मिला है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको जब थैंक यू आपको राष्ट्र आपको जब महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से सम्मानित किया गया था, तो कैसा लगा आपको बताएं। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस समय, लाइक महाराष्ट्र सीएम जो थे, और मेरे फेवरेट सीएम भी है उद्धव जी ठाकरे, सो
उनके मतलब उनके तरफ से एक अवार्ड मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा उससे, मैं बहुत खुश था। बिल्कुल पाटिल जी, मैं जानना चाहूंगा, आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेशन है, क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा मौका आया जब आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि आप डिमोटिवेटेड या फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, ऐसा कभी लगता है आपको? हाँ, मेरे को कभी कभी लगता है ऐसे कि मतलब मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, या फिर मतलब हो जाता है कभी ना कभी, कभी कंपटीशन अच्छी नहीं गई, कभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं गई, लेकिन उस समय मैं खुद को मतलब कंट्रोल इस तरह से करता हूँ कि मैंने ये करियर किस लिए शुरू किया, मतलब मैंने कहाँ से शुरू किया और मेरे को कहाँ तक जाना है, बस वो मैं माइंड में याद करता हूँ कि मैंने पिछले दिन कैसे निकाले हैं। तो उससे ये हो जाता है कि आपको पता चल रहा है कि आपने करियर किस लिए शुरू किया है, तो आप फिर वापस फिर वो उसी मूड पे आ जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल, होता है कभी कभी ये कभी, बहुत बोलिए अच्छी आप। बात आपने बताई स्वप्निल जी, कि इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है और वो कहाँ से एम स्टार्ट क्या है? किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपने बहुत अच्छी बात बताई, एक बहुत ही अच्छी सीख है। तो हम स्वप्निल जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्विमिंग के अलावा आपकी क्या क्या अदर एक्टिविटीज होती है, आपको क्या क्या चीजें पसंद है, कुछ बताइए हमें। स्विमिंग के अलावा तो मेरे को अगर कहा जाए तो मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, सो मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। सो मेरे को क्रिकेट और बाइक पे घूमना मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल, आपको बाइक पे घूमना बहुत पसंद है और पार्टीज करना भी आपको बहुत पसंद है। स्वप्निल जी, हमें ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको स्पोर्ट्स को लेकर के आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, आपका अगला एम क्या है? मेरा अभी फिलहाल के लिए एम तो एक ही, पैरा ओलंपिक मेडल। तो मेरे को एक पैरा ओलंपिक मेडल बनना, मेरे को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना है। तो ये मेरे बहुत बड़े एम है, एक बिल्कुल, सपना है मेरा इसे। हम आशीर्वाद, आप क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, अल्लाह से, कि आपका जो ख्वाब है वो पूरा हो, आप हिंदुस्तान के लिए मेडल लाए, आप ऐसे ही तरक्की करके आगे बढ़ते रहें स्वप्निल जी, और देश का नाम रोशन करें। स्वप्निल, अभी जैसे कि देख रहे हैं कि ये टाइम एक बहुत ही अच्छा टाइम नहीं जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, कोरोना की जो बीमारी है उस वजह से, तो इस वक्त में आप देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे आपने सरकार ने बताया कि घर में रहने है आपको, तो स्टे एट होम और बी सेफ और खुद की केयर करना, तो हो जाएगा, सब ठीक ही होगा। सो बी बिल्कुल, सेफ। ये बहुत अच्छी बात बताया आपने। और स्वप्निल, जैसे कि मैं खुद एक एथलीट हूँ, हम सभी एथलीट हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्विमिंग पूल से बहुत दूर हैं, कब जाएं स्विमिंग पूल में, लेकिन कैसे, आपका भी बहुत मन करता होगा क्योंकि आप काफी ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे इन्वॉल्व रखते हैं और क्या अदर एक्टिविटीज करते हैं, कुछ जो अदर आपके जो दूसरे स्विमर्स हैं, जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अभी ऐसा तो है तो स्विमिंग पूल तो है ही नहीं किसी के घर में, अब जाके हम स्विमिंग पूल में कूद सके। लेकिन हाँ, जैसे है जहाँ पे हम घर में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना, या फिर छोटा छोटा जो योगा वगैरह है, या फिर लाइटली एक्टिविटीज, तो आप वो स्ट्रेचिंग वगैरह सब करते रहना कि ताकि हम आगे जाके फिट रह सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो भी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग या योगा करें स्पेशली, बहुत अच्छा है आपके सांस लेने के लिए, आपके माइंड के लिए, बॉडी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में, और हम आशा करते हैं कि थैंक जो यू। लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच स्वप्निल जी ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड बाय। थैंक यू।